भाई ये मेरी शादी का कार्ड है, लो जी, हटा ये सब। कार्ड लेकर आती है मेरे पास, कोई बोल रही है तुम जरा सब ये नहीं रोकता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ महजबीन और आज मैं करने वाली हूँ अपने घर वालों पे वेडिंग प्रैंक। चलो गाइज, मैं अपनी ही शादी का फेक कार्ड छपवा के ले आई हूँ और मैं अपनी मम्मी को ये बोलने वाली हूँ कि मैं अब शादी करने वाली हूँ, ये लो कार्ड और आ जाना सब लोग, ठीक है। महजबीन वेड्स दानिश, शादी होगी हमारी और देखते ये प्रैंक फेल होता है या पास। तो गाइज, यहाँ हम आ गए अपने हिडन कैमरा के पास और अभी मम्मी बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है आने में और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फटाफट से तुम जाओ, जाके बुला के लाओ। ओके तो गाइज, मैं जा रही हूँ, अब जा रही हूँ, बुलाने जा रही हूँ। बिल्कुल भड़का देना कि क्या कर रही है, तमीज़ी नहीं है, ऐसा वैसा खून, ठीक है, तगड़ा तो होना चाहिए। अच्छे से आना है, मैं आती हूँ। गाइस, तो बस अम्मी आने वाली है और फिर देखते क्या रिएक्शन होता है। क्या हुआ, क्या वीडियो हो गया शूटिंग? वीडियो क्या ही होगा, अभी मजा आएगा ना। वीडियो कर रही थी ना तुम दोनों बहन? मेरा तो हो गया था, अच्छा बाहर कर रही थी। हाँ। मैं तब से इंतजार कर रहे थे, कब आओगी कब आओगी। देख लो ना क्या करने के लिए बुला रही है, देख लो क्या लेकर आई है। क्या करने के लिए बुलाई, किसी का होगा कार्ड दिखाएगी वो, देखे किस किसका शादी है, दिखाना। देख लो अपनी बेटी का। क्या अपनी बेटी का? क्या दूसरे किसी का तो बेटी का, दूसरे का, ये दूसरे का लग रहा है। मैं जब किसी और का भी नाम होगा, पीछे तो पापा का नाम है, डॉटर ऑफ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दानिश अहमद मोहम्मद अली, क्या है ये? भाई ये मेरी शादी का कार्ड है, तुम लोग तो बहुत ड्रामा करोगी मेरी शादी में, तो डायरेक्ट ये शादी का कार्ड है, तो आ जाना, बहुत हो गया सबका। पागल है ये, पागल है, अपनी बेटी का जो ड्रामा है वो ये सब है। कार्ड छपा के लिया ही, बता छपा के क्या, तुम लोगों को मजाक लग रहा है क्या? और क्या, पागल हो तुम, सच में लेकर आई हो? तुम लोगों को बताने से अच्छा है सीधा कार्ड हाथ में थमा दो, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आजकल ऐसा ही होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। तुमने कोई पुराने जमाने में नहीं किसी का नहीं देखे हैं आजकल, किसी का पहले बताना चाहिए ना कि हाँ कौन है क्या है। पहले बोलो दानिश कौन है, तो वही तो पूछ। दानिश मेरा बॉयफ्रेंड है, बस यही तो है, तुम बॉयफ्रेंड है, ये है वो है। मेरे को कोई बड़ी शादी नहीं करनी, कोई नॉर्मल सी शादी है ये, और बस। कौन सा बैंक्वेट हॉल है, देख रहे हो, यहीं पे कर पास का, कैसे कर सकती है? झूठ है। झूठ क्यों होगा भाई, ये सब पहले से तो बता ही नहीं कुछ। ये भाई अम्मी को ड्रामा नहीं है, तुम लोग क्योंकि बहुत नाटक करोगी। फिर भी थोड़ा सा भी तो इस अमनीन को भी कुछ पता होता, कुछ नहीं, नहीं पता है। बहन रहती है साथ में रहती है, उसको भी कुछ पता होना चाहिए। ये तो चंडाल है, क्या बात करता है यार। तो इसका मतलब वो तुमको घर से मतलब नहीं। दानिश अहमद, हाँ ये कौन है? उसी दिन देखना आप, इतना मेरे को बताना कुछ जरूरी नहीं है। फोटो दिखाओ। क्यों क्यों दिखाओ? अरे तब ये कार्ड भी क्यों दी बाबू, शादी करके ही आती। करके आती ना शादी पे। अरे अम्मी, अरे यार तुम्हें क्या ओवर एक्टिंग, एक बार सब कुछ कर ही के आती, सब कुछ करके आती ना, फिर एक दो साल बाद आती थी ना, जब शादी करके जो लोग कर लेते उसके बाद एक दो साल बाद आते। भाग के तो एटलीस्ट शादी नहीं हो रही ना, भाग के बता के हो रही है। ये भी समझो, तुम तो सब कुछ करके आई हो, तुम तो सब चीज करके आई हो, सब तुम लोगों को इन्फॉर्म किया जाए। क्यों कौन है लड़का नंबर दो, लड़का का नंबर दो, उसके घर वाला का सबका नंबर दो, घर वाले किसी को नहीं दिखा। अरे ये लड़की कुछ भी कर सकती है भाई, तुम लोगों को आना होगा तो आ जाना, ठीक है। अरे आना क्या, तुम इस तरह का काम तो पापा को देती, पापा के पास क्यों नहीं लेके गई, मेरे यहाँ पर ही लेकर आई हो कार्ड। हाँ? इतना कुछ था, इतना जल्दीबाजी शादी करने का क्या था, इतना ना कुछ पता है ना कुछ है। पापा से बात करो डायरेक्ट, हमसे क्यों बात करती हो? तुम लोगों को बताने पे तुम लोग करोगी नहीं सारा काम। नहीं, मेरे से बात करने का क्या, मेरे सब कुछ हम ही जानते हैं, पापा नहीं जानते कुछ। नहीं तुम ही दे देना, लो तुम ही दे देना, पापा के पास जाओ। पटर पटर बोल रही हो, पटर पटर बोलेगी नहीं, शादी का कार्ड तक छपा गया, कुछ पता नहीं है गार्जियन को कि क्या है नहीं है, तुम ऐसा ही करने वाली हो? ये सिर्फ एक ही शादी का कार्ड छपा है बस तुम लोगों के लिए। अरे पहले से बात करती कि हाँ कौन लड़का है, क्या है, घर वाला कैसा है। आजकल वैसे भी शादी ब्याह ऐसा होता है जो किसी का सास अच्छी नहीं होती है, कोई लड़का अच्छा नहीं होता है, मार देता है ये सब। तुम लोग को कोई समझ में नहीं आता है, माँ बाप जो होता है ना देख देख के करता है, सर में दर्द हो रहा होगा, कुछ भी नहीं। मेरे को पता चल गया मेरी दानिश कौन लड़का है, कौन है, कौन है, कौन दानिश है? कभी मिली हो? यस। कभी देखी हो? हाँ। अपने आप से मत बोलो कुछ भी, कोई हीरो नहीं है वो, समझ गई? मेरी शादी का कार्ड है, तुम लोग को आने का मन हो तो आ जाना। इतना मेरे को कोई बोल नहीं है, तुम जरा सब ये नहीं रोकता बोलते हुए, जरा सब बड़े आदमी क्या इस तरह बोला जाता है, यही सब काम करके आती हो, ये नहीं कि बहन भी है कोई भी है घर में कुछ बता दे, कुछ समझ ही नहीं आता है।
समझ में नहीं आता है क्या से क्या कर लेती है, कुछ भी नहीं पता होता है, कुछ होता यही होता पता था। कार्ड भी क्यों ले गए, एक बार शादी करके आ जाती। नहीं बेटा ये ठीक नहीं है, समझ से बाहर है बता। हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती है, हर वक्त कुछ ना कुछ ना कुछ। कोई शादी नहीं होती क्या किसी की? अरे तो शादी हो करती हो तो किसी की शादी होती है? नहीं तेरी होगी या नहीं? मेरी होगी Okay. अरे तो शादी होती बाप माँ की मर्जी से होता है, सब कुछ है अच्छा से होता है। हम लोग हर चीज अच्छा से अच्छा सोचे हुए थे कि चलो बड़ी बेटी है, कितना शौक और मान नहीं करना, कितना शौक और मान हमें तुमको पता है कुछ सबके सबके लड़की सबका शादी देख कर मेरे को लगता है कि चल हम भी अपने बेटी का अच्छा से करें। हर चीज सोच के पूरा पापा लिस्ट बनाए हुए हैं कि ये करना है वो करना है, सब फालतू खर्च है। फालतू खर्च क्या मेरा ना खर्च होगा, तुम्हारा थोड़ी खर्च होगा, वो सब बेकार है करना। ये हटा ये सब, कार्ड लेकर आती है मेरे पास, जरा सा भी समझ बूझ का नहीं है कि हाँ माँ बाप का क्या असर होगा। अभी चलो पापा के सामने चलो लेकर जाओ ना पापा के पास, कार्ड लेकर तो पापा के पास जाओ। मगर क्यों इतनी बड़ी बात करती है ये, बाप रे जरा भी बराबर डर नाम का चीज नहीं है। जो बच्चा बाप के सामने कुछ बोलता नहीं है वो देखो इतना बड़ा कदम उठा के आई है आजकल। इतना बोलने वाली है ना कुछ करने, उसको मारो मत झूठ का। हाँ। गलत काम करके आई हो तो मार रही हो उसको, चलो हटो मेरे नजर के यहाँ पर से, नहीं तो चुपचाप वो लड़का का एड्रेस बताओ और सारा चीज बताओ। तो क्या करोगी बताओ? बात करेंगे उससे, करा दोगी फिर देखेंगे कैसा है क्या है। देखेंगे केपेबल है, सही है, अच्छा है, नहीं है, कौन से घर का है। भैया एकदम इसकी सोच पर हमको शर्म आ रही है इसके। बिल्कुल मेरा कुछ। अरे यार तुम कैसे कर रही हो आज के 2024 में भी रह के? 2024 में अपना वो तो नहीं बदल देंगे ना। तुम क्यों इतना दादी अम्मा बन रही हो भाई? छोटा बच्चा को भी अकल होता है। छोटा बच्चा नहीं है वो, बड़ा तो तुम अकल है नहीं है, छोटा ही बच्चा। तुमको तो अकल है नहीं, बहुत बड़ा है। छोड़ो ज्यादा मत बोलो। अरे हाथ में देख रही है चोट लगा हुआ है, जरा सा भी ये नहीं है कि छोटी बहन को मारने का बस ये हो गए। छोटी बहन इतनी छोटी भी नहीं है, इतनी नहीं है लेकिन तुमसे समझदार है, दिख रहा है, दिख रहा है, चंडाल है सबसे बड़ी। वो तो कहोगी तुम्हारा साइड नहीं ले रही है सबसे बड़ी। बताओ ये क्या कर कार्ड भाई बता? इतना वो उसमें तो होगा एड्रेस पे एड्रेस लिखा हुआ, कुछ नहीं है तो एड्रेस बस वो उसका एड्रेस है। इधर जाकर शादी की कैंसिल करवाओ, हिम्मत है तो कर। बंद कर लेंगे इस रूम में, कहाँ जाओगी? ताला लॉक बस। शादी शादी को क्या खेल समझती हो? सब करना फिर शादी को खेल समझती हो? खेली है ना, अभी बंद कर दो इसको, मेरे लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। अब इसका घर से बाहर निकलना बंद, कहीं आना जाना बंद, ये और उसके बाद फोन ला के दे दो मेरे को। सीधा पीछे हट जाओ। क्या फोन दे मेरा, फोन दे, हटो इधर से, फोन दे, खोल मत फोन, खोल मत फोन। क्यों मार रही हो उसको? गलत काम करके उसको मार रही हो? क्या ढूंढ रही हो उसमें? कुछ नहीं मिलेगा मेरे पास, अपना उसके लिए एक नया पर्सनल फोन है। अच्छा, जो तुम लोगों को भी नहीं पता। बाहर जाती है तो यही सब काम होता है। iPhone 16 प्लस भी है मेरे पास। वो कहाँ से ली? दिलाया होगा, मेरे पास गिफ्ट मिला है। वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। दिलाया होगा ना, दिलाता ही होगा। अभी मेरे को आज मिल जाएगी ना आईडी, रुक जाओ अभी देख लेना। यही सब काम करते रहो तुम लोग, अब आज से इस रूम में कैद, अब इस रूम से बाहर नहीं निकलो। देख लेंगे कौन रोक सकता है। अच्छा देखना तुम, ठीक है चलो करने का है कोई बात नहीं है, मना ही नहीं है, लेकिन बताओ तो भाई माँ बाप को कि हाँ ये है तो ये बात तो क्या है? बता तो दिया, ऐसे थोड़ी बताया जाता है। सरप्राइज सरप्राइज शादी सरप्राइज होता है। तुम जो साथ में रहती हो तो कुछ नहीं देखती हो? यही है लड़का। अरे कुछ भी, हाँ बोल क्या कर लेगी, क्या कर लेगी बोल, यही है यही है यही। हाँ अब बोल क्या करेगी। अरे लड़का देखे क्या हम, लड़का क्या देखे, ये इस तरह कदम उठा लेगी, हम लड़का देखे और सब कुछ ये करे। पहले तो ये बात का इसको ये करना है कि इसको ये अपने मर्जी क्यों चला रही है? क्योंकि मेरी मर्जी। अरे तो मर्जी अपनी है तो तुमको पहले से बताना चाहिए, आज शादी का एकदम एक हफ्ता पहले तुम उनको बता रही हो। कोई ऐसा किया है अपने खानदान में? कोई भी ऐसा नहीं किया तुम करने चली हो? लेना देना नहीं है मेरा। क्यों? सारा रिश्तेदार, सारा रिश्तेदार कुछ है, नहीं है कोई सारा रिश्तेदार मेरे को रिश्तेदार काम नहीं आएगा। वैसे भी कोई काम नहीं आता है, लेकिन क्या बोलेगा, बोले हमको सुनना पड़ेगा ना। 100 लोग बोलता है। हाँ तो मेरे को, अरे छोड़ो अम्मी, कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो ये? नहीं तो ये चीज तो नहीं होने देंगे। चलो छोड़ो ये चीज तो नहीं होने, नहीं बंद कर देंगे, उसके पापा को बताने जाते हैं। जाओ बता दो जिसको जो बताना। चलो तुमको भी लेके चलेंगे। क्या है? चलो चलो लेकर कार्ड लेकर चलते हैं। चलोगी? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल बन गई है। अरे भाई क्या हो
हो गया इतनी बड़ी बात? चीखो मत, आवाज नीचे रखो। गलती करके ना, हाँ गलती करके आवाज हम भी नहीं, आवाज हम भी निकाल सकते हैं। मेरे को सॉल्व करने दो, गलती करके चीखती कैसे हो? हट जा तू, तो तेरी तो शक्ल अच्छी नहीं लग रही है। तू मेरे मुंह में मत घुस, हाथ कैसे लगा रही है? बाहर कैसे जाती हो अकेले? क्यों, कब देख लिया अकेले जाते हुए? कब देखा? अभी मेरे साथ कैसे गई? गई तो गई, तेरे को क्या? क्यों गई? क्या अच्छा मत, तुम नाम बनो मत ज्यादा, और चुप, मेरे हाथ में चाहिए है। कैसे मत दे, हां कैसे मत दे, छोड़ो ये ला, ये सब मत कर मेरे साथ, मत कर, मत कर, ये मत कर, समरीन छोड़ दे, छोड़ 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 दे, क्यों गिरा दी इसको? हंसो मत, समझ गई, हंस रही हो फालतू का, काम सब गलत गलत करके और उसके बाद हंस रही हो, जरा सा भी शर्म नाम की चीज नहीं है ना तुमको? प्रैंक हो गया आपके साथ, प्रैंक हो गया, सच बात है, उसको प्रैंक हो गया। अरे भाई वो भी मिली हुई है, पूछ लो अगर यकीन नहीं है तो। अरे मुर्गा मुर्गा मेरे को ही बनाया करो, स्पेशली चांदनी चौक से गाइस शादी का कार्ड बनवाया था मम्मी को प्रैंक करने के लिए। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। ये सब काम मत किया करो, वीडियो के चक्कर मेरे को इतना मोटी गई। छोड़, मेरे को तो लगा कि क्या ही सही बात है, अब क्या करेंगे हम तो सारा चीज हमें आप जा रहे थे पापा को बताने के लिए। भाई यार अगर सच में अगर अम्मी ऐसे बता देती पापा को, मेरी तो जान ही निकल जाती बिल्कुल ही। तो गाइस अम्मी के ऊपर हमने किया बड़ा ही भयंकर वेडिंग प्रैंक और बड़ा ही अजीब सा रिएक्शन मिला मुझे। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर जिंदा लड़का ले आती वेडिंग प्रैंक में तो अम्मी का क्या ही होगा। सॉरी बाबू। तो गाइस आप लोग बताना कि आपको ये प्रैंक कैसा लगा, और मुझे आप लोग बताना कि और कौन सा प्रैंक किस पे करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit.